बचपन कितना अच्छा और सुनहरा और कितना खूबसूरत होता है वो तुमको याद होगा। बचपन में हमें नाना नानी की कहानियों के बिना नींद नहीं आती थी, तो सोचो अगर उन्हीं नाना नानी की कहानियों पर कोई ऐसी टाइप की फिल्म बना दे तो सोने पे सुहागा हो जाए। जी हाँ, ऐसे ही चीज़ों पर एक डायरेक्टर साहब ने फिल्म बनाई है। फिल्म का नाम है वीरूपक्षा। तो आओ देखते हैं क्या ये आपका वक्त डिजर्व करती है या फिर नहीं। तो और रोशनी डालते हैं। एक ऐसा शरापित गांव जहां पर किसी भूत का निवास है और वहां पर लगातार मर्डर होते जा रहे हैं, कोई ना कोई मरता जा रहा है डेली टू डेली। एंड फिर एंट्री होती है हमारे हीरो की और वो बंदा आकर के रेस्क्यू करता है इन मर्डर्स के पीछे उनका क्या हाथ है, कौन है इसके पीछे, हु विल बिहाइंड दिस, वो ये रेस्क्यू करता है। एंड बीच में इससे एक लड़की से प्यार हो जाता है एंड एक लव एलिमेंट भी इसमें शुरू हो जाता है। एंड हमें फिल्म में यही देखना होगा क्या हीरो इसके पीछे भूत को पकड़ पाता है या फिर नहीं। एंड दिस इज इनफ, वरना स्पॉइलर हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर वन, सस्पेंस। सस्पेंस आपको खूब तोड़ ताबड़ देखने को मिलेगा इस फिल्म में, क्योंकि आपको ये फिल्म बिगिनिंग से लेके एंड तक बांधी रहेगी। पता चलने के लिए आप इतने क्यूरियोसिटी में रहेंगे कि कौन है मेन विलन इसका। तो ये फिल्म आपको मर्डर मिस्ट्री में खूब अच्छा बांधी रखेगी। तो सस्पेंस इसका था पॉजिटिव नंबर वन। पॉजिटिव नंबर टू, स्क्रीन प्ले बहुत ही शानदार है। अब हर कोई जानता है कोई एक गांव होता है, गांव के अंदर मर्डर मिस्ट्री हो रही है, एक टिपिकल लव एलिमेंट भी गांव में हमको देखने को मिलता है। तो सब कुछ आप अपने आप से रिलेट कर सकते हैं इस फिल्म में। तो मुझे स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा लगा इस टोटली फिल्म का और ये था पॉजिटिव नंबर टू, टू लव एलिमेंट। अब इस टाइम पर कोई लव एलिमेंट पसंद नहीं आता क्योंकि ये जमाना ही अलग है। ये जमाना विलन का है और खौफ का है, खूनी कत्ले का। तो इस टाइम पर लव एलिमेंट मुझे नहीं समझ में आता और ज़्यादा लव स्टोरी डालते हैं जब ये टिपिकल साउथ मूवीज, तो यही लगता है कि सिर्फ ये दिस इज टाइप ऑफ ए स्क्रिप्ट फिलर और कुछ भी नहीं। एंड सबसे बहुत वीक बेस है इस फिल्म का लव एलिमेंट। एंड ये था निगेटिव नंबर वन। निगेटिव नंबर टू, स्टोरी। तो निगेटिव नंबर टू इसकी स्टोरी इसलिए है क्योंकि ऐसी कहानियां हमने बहुत सी टिपिकल साउथ मूवी में देखी हैं, यानी कि कंचना वन, कंचना टू, कंचना थ्री, राजमहल वन, राजमहल टू, राजमहल थ्री, जहां सबकी कहानियां सेम होती है। कोई मर जाता है, कब मर जाता है तो उस वजह से भूत आ जाता है, उनकी आत्मा तो इसकी आत्मा, तो वही पुराने टिपिकल साउथ मूवी का मेथड इसमें भी फीड कर दिया गया। तो ये फिल्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। माय ओपिनियन, ये फिल्म देखने लायक है या फिर नहीं, तो बोलूंगा दिस इज वन टाइम वॉचेबल मूवी। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं एज अ टाइम पास, लेकिन ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि ये आपको बहुत चरम सुख पे ले जाएगी तुम बड़ लेवल की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेल, अगर हाँ इस वीडियो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, शकील बोलता तो मेरे सामने मिल जाएगी, शिकायत कर लियो। तो ठीक, अगली वीडियो मुलाकात होगी बहुत जल्द। अभी के लिए बाय बाय।